हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हमारा, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू गारमेंट्स टेक्नोलॉजी एक्सपो 2023। और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो काफ़ी तरीके के एम्ब्रॉयडरी मशीन्स में डील करते हैं, और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आपको इन मशीन्स की ज़रूरत है या इस तरह की बिज़नेस में आप इंटरेस्टेड हो, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो, मैं बढ़िया हूँ, अच्छा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपने बारे में? मैं राधेश्याम कुमावत, राजधानी टेक्नोलॉजी। हम लोग इम्पोर्टर हैं, बेसिकली मशीन्स इम्पोर्ट करते हैं और गारमेंट्स टेक्नोलॉजी के साथ में हम काम करते हैं। इसमें हमारी मशीन्स है जो एम्ब्रॉयडरी की काम आती है, क्विल्टिंग काम आती है, सैम्पलिंग के लिए काम आती है, वो सब मशीन है। इसमें हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन अभी यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं, जो कि अभी मार्केट में नया है, हाई स्पीड की है। तो ये एम्ब्रॉयडरी मशीन्स में ही डील करते हैं कि और क्या क्या मशीन्स रहता है? एम्ब्रॉयडरी में ही आती है, बेसिकली हमारा जो काम है वो एम्ब्रॉयडरी का ही है, एम्ब्रॉयडरी और क्विल्टिंग मशीन्स। अच्छा, जो होम फर्निशिंग में काम आता है, गारमेंट्स में काम आता है, कुर्ती साड़ी सूट लहंगे ये सब में काम आता है। मतलब स्पेशलाइजेशन है आपकी एम्ब्रॉयडरी में? यस, हम लोग लास्ट 14 ईयर से काम कर रहे हैं और स्पेशलाइज्ड है हम एम्ब्रॉयडरी मशीन्स में, क्विल्टिंग मशीन्स में, ये सब में। तो यहाँ पर आपने काफ़ी तरीके की मशीन शोकेस किए हैं, कुछ मशीन्स के बारे में देख लेते हैं किस तरह की टेक्नोलॉजी है, वर्किंग किस तरह का होने वाले और क्वालिटीज़ के बारे में सर। ये अभी हमने लेटेस्ट हाई स्पीड की मशीन लगाई है जिसका मॉडल है 60915। ये इसके स्पेसिफिकेशंस है। इसमें हमने लेटेस्ट अभी डायनेमिक पेंटोग्राफ दिया है, डबल टाइमिंग बेल्ट दिया है, हैवी पेंटोग्राफ दिया है इसमें, और बेल्ट वगैरह जो है इसके काफ़ी अच्छे हैं, बॉडी अच्छी है इसकी, और स्पीड जो अच्छी है आप देख रहे हैं, इसका साउंड जो है एकदम स्मूथ है। ये जो है इसका ये डायनेमिक पेंटोग्राफ है, ये अभी लेटेस्ट है। यस, और ये RE+Multi है, RE+Multi के साथ में कोडिंग भी है। ये जो डिवाइस है ये इसका कोडिंग का डिवाइस है, ये RE का हेड है, तो RE+Multi कोडिंग तीनों कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। और ये हाई स्पीड की मशीन है, अभी 1200 RPM पे चल रही है, एकदम साइलेंट मशीन चल रही है। मतलब मैक्सिमम स्पीड इसकी 1400 RPM है, 1200 RPM तक रेगुलर चलती है ये, RE+Multi है ये। ये लेटेस्ट काम आती है जो हाई फैशन के गारमेंट्स हैं उनमें काम आती है। और जैसे अगर फैब्रिक्स की बात करें, किस किस तरह के फैब्रिक्स इस पर चला सकते हैं? फैब्रिक कोई भी चला सकते हो आप, नेट भी चला सकते हो, इसमें आपका कॉटन आता है, कैनवास आता है, होम फर्निशिंग के कुशन, बेड कवर्स वगैरह भी इसमें बनते हैं, बेड शीट्स बनती है, आपके साड़ी के जितने भी फैब्रिक्स हैं वो इस पर काम आएंगे, और आपके जो भी सूट में, कुर्ती में या गारमेंट्स में या कुछ टॉयज़ में, उसमें भी इसके काफ़ी अच्छे डिजाइंस बनते हैं। जैसे अगर क्वालिटीज़ की अगर बात करें, जैसे अगर यहाँ पर बुनाई हो रही है, अगर इसको देखें सर, इसके बारे में, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की मशीन है ये, इसका जो फिनिशिंग होगा वो एकदम बेहतरीन फिनिशिंग होता है, क्वालिटी अच्छी है इसका। जैसे अगर वन हेड में बात करें, कितना आप चला सकते हैं नीडल लगा? ये नो कलर का डिज़ाइन है इसके अंदर, नो कलर तक का डिज़ाइन कोई भी चला सकते हैं आप, नो नीडल इसमें है। RE में 6 नीडल है, आप नीचे से देखेंगे इसको तो इसके धागे नीचे भी चलते हैं, तो ये RE का मशीन है। अच्छा। तो RE में 6 कलर तक चला सकते हैं, और मल्टी में नो कलर तक, 9, 6, 15 कलर आप एक साथ चला सकते हैं इसके अंदर। और ये फिलहाल कितने हेड की है मशीन? ये 15 हेड एरिया है, 15 हेड की मशीन है, 550 का एरिया है इसका। तो जैसे अगर सेफ्टी पर्पज़ से देखें, कई बार अगर कोई धागे टूट रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या इसमें मेजर? ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है ये, अगर कहीं भी धागा टूटता है, कोई स्टिच ब्रेक होता है, तो मशीन ऑटोमेटिक रुक जाएगा और वहाँ पर जो है अलार्म देगा कि कितने नंबर का धागा टूटा है, ऑपरेटर जाएगा उसको उतने नंबर का धागा वापस से डालेगा, चालू कर देगा। ये इसका लीवर है, यहाँ से एनी टाइम कहीं पर भी खड़ा होकर ऑपरेटर चालू कर देगा इसको, इस ब्लॉक में है, उस ब्लॉक में है, कहीं पर भी है। मतलब अगर सिंगल ऑपरेटर है वो भी उसको हैंडल कर, ऑपरेटर ही करता है इसको, इसको पूरी मशीन को चलाने के लिए एक ही आदमी की ज़रूरत पड़ती है। ये फुली ऑटोमेटिक है ये, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी, जिसमें कि वेयर एंड टीयर बहुत कम है, जिसका मेंटेनेंस बहुत कम है। जैसे सर ये जैसे मल्टी हेड है, अगर किसी को ज़रूरत है कि 2-4 हेड इसमें से चलाएं, तो वो भी स्पेसिफिक सारे हेड बंद कर सकते हैं, एक हेड चलाना चाहेंगे तो एक हेड भी चल जाएगा, ये सारे हेड बंद हो जाएंगे। अच्छा, पॉसिबल है, सारा कंट्रोल यहाँ से हो जाएगा जी। बना रहे हैं इसमें, ये श्री राम जी का पिक्चर बनेगा ये, ये हमने ऐसे बनाया है पहले भी, तो ये बहुत ही सुंदर इसका क्रिएशन है, ये भी ये बनने वाला। फिनिशिंग भी काफ़ी कमाल की इसकी, हाँ, एक्सपोर्ट क्वालिटी का है काम पूरा।
तो ये है कि यहाँ पर जो भी डिज़ाइन है आपको यहाँ पर फिट करने हैं और उसी के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये अपना बुनाई ऑटोमेटिक लेता है। जब भी कोई डिज़ाइन हम सेट करते हैं तो इसके अंदर कोडिंग होती है, इसकी कोडिंग करने के बाद में इसका कलर मैचिंग सेट कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चलता रहता है ये। जैसे अगर ये पूरी अगर सेट की बात करें, क्या कॉस्टिंग की अगर बात करें, क्या ये लगभग 37.5 लाख प्लस GST के आसपास की मशीन है। तो उसमें कस्टमाइज भी होता है, जो जैसा मांगेगा उसके अकॉर्डिंग। यस, कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है कि नंबर ऑफ हेड्स या इसका जो वर्किंग एरिया है वो कम हो सकता है, नंबर ऑफ हेड्स कम ज़्यादा हो सकते हैं इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे ये हमारी कुल्टिंग की मशीन है, जी हम लोग कुल्टिंग में भी एक्सपर्ट हैं, तो ये जो ज़्यादातर काम आती है ये ब्लैंकेट्स वगैरह बनते हैं, बेड प्रोटेक्टर बनते हैं, मैट्रेस कवर बनते हैं, ये उसके लिए। ये भी ऑटोमेटिक है, आप इसमें देख रहे हैं ये सब ऑटोमेटिक चल रहा है पूरा। जो भी डिज़ाइन आप फिट करेंगे, ये डिज़ाइन इसमें फिट करेंगे ये ऑटोमेटिक चलेगा। ये बेसिकली जो है आपका जैकेट्स वगैरह की कुल्टिंग के लिए, और आपके जो ब्लैंकेट बनते हैं, कुल्ट्स बनते हैं, जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है, बेड कवर है, डोर है, वो सब में ये काम आती है। और ये साइज क्या है सर इसका? 3.5 मीटर बाई 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर ऐसे हैं, 3.5 मीटर वेट में है ये। तो इसमें अलग अलग साइज भी आते हैं या कस्टमाइज है? ये 3.5 मीटर है, 3 मीटर है, और छोटा चाहिए तो छोटा भी मिलता है इसमें। तो हर एक टाइप का आप इस पे फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं इसमें। 3 टाइप का लेयर लगता है इसमें, लेयर लगता है, एक अपर फैब्रिक होता है, एक इसमें मिडल फैब्रिक होता है जो कॉटन या फिर पॉलीफिल, और नीचे फिर जो दूसरा सेम फैब्रिक भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो 3 फैब्रिक का लेयर है ये, और इसमें कोई भी आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, पॉलीफिल भी यूज़ कर सकते हो, कपड़ा कोई भी यूज़ कर सकते हो। और ये मैक्सिमम स्पीड 3200? हाँ, 3200 RPM है ये। ऑटो लिफ्टिंग हेड है जी। जैसे यहाँ पर सिंगल आप हेड में दिखा रहे हो एम्ब्रॉयडरी में, ये कुछ बुटीक वर्क के लिए या कुछ सिंपल वर्क के लिए, जैसे होता है कि किसी को छोटा काम है, उसका बुटीक का काम है, सैंपल का काम है, तो इसके लिए ये सिंगल हेड मशीन है। इसमें आप लोगो भी बना सकते हो, आप इसमें कोई भी छोटा आर्ट वर्क कर सकते हो, ब्लाउज वगैरह का काम है वो आप कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई मतलब घर से ही बिजनेस शुरू करना चाहे, घर पे कर रहे हैं, तो वो ये सिंगल हेड का? बहुत सारी जो हाउस होल्ड वाइफ्स हैं या जो कुछ काम करना चाह रहे हैं, जो बुटीक का काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी मशीन है ये, और छोटा एरिया है, स्पेस कम लेती है। अच्छा। और क्वालिटी वही है, काम वही करते हैं। तो सिंगल हेड का क्या रह जाता है सर, कॉस्टिंग क्या पड़ जाता है? ये 5.5 लाख प्लस GST से चालू हो जाता है, और ये अभी एक बीड्स का डिवाइस इसमें हमने लॉन्च किया है नया, और ट्विन सीक्वेंस ट्विन बीड्स के साथ में है, कोडिंग भी है इसमें। और इसमें नीडल वही 9 नीडल लगे, 12 कलर है, 12 कलर, 12 नीडल है, तो 12 कलर तक चला सकते हो आप। और डिज़ाइन कैसे फिट करना होता है? कंप्यूटर USB से लगेगा, इसमें पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव से इसमें आपका कंप्यूटर में डल जाएगा, फिर वही जैसे उसमें हम प्रोग्रामिंग करते थे कौन सा कलर है कितना है, उसके हिसाब से इसका सेटिंग करते हैं, और वो आप अगर कलर्स की सेटिंग कर दोगे तो ऑटोमेटिक जितने कलर्स हैं वो चलेंगे इसमें। तो ये तो मतलब इस तरह के अगर हमने मशीन्स देख लिया, क्वालिटीज़ के बारे में बात कर ली, अगर जैसे बिजनेस मॉडल की बारे में बात करें सर, बिजनेस मॉडल क्या है कि आप बिजनेस किस तरह से करते हैं? ये हम लोगों का काम है मशीन सप्लाई करना जी। तो जो कोई एग्जिस्टिंग सब एंटरप्रेनर्स है या न्यू एंटरप्रेनर्स है, उनको हम लोग ये फैसिलिटी देते हैं कि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन दे रहे हैं, जिससे कि वो अपना खुद का बिजनेस करके अच्छा इनकम कमा सकता है। तो अगर आप सिंगल हेड लेना चाहे या मल्टी हेड लेना चाहे, किसी भी तरह की अगर एम्ब्रॉयडरी में अगर आपको नीड है मशीनरीज की, आप एक बार बात कर सकते हैं, अपना रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मशीन्स उनको दिला देंगे जी। वो उनकी स्पेसिफिकेशंस होती है, कोई एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई डोमेस्टिक करते हैं, कोई किड्स वियर करते हैं, कोई लोगों का करते हैं, कोई टी शर्ट्स बना रहे हैं, तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये सारी मशीन्स कस्टमाइज है। और सर मशीन्स की अगर बात करें, इंस्टॉलेशन को लेकर देखिए और सर्विस को लेकर देखिए, ये क्या कुछ रहता है सर? हमारी सर्विस रहती है, इंजीनियर्स की एक्सपर्ट इंजीनियर्स की टीम है हमारे पास में, जो कि हम पूरा कस्टमर को जैसे सर्विस की ज़रूरत पड़ती है ऑन टाइम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा। और इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं। ट्रेनिंग का सर? ट्रेनिंग भी हमारे पास होती है, हमारा खुद का एक ट्रेनिंग हाउस और एक एक्सपीरियंस सेंटर है जयपुर के अंदर। अच्छा। जहाँ पर कि आप कभी भी आके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। और सर अगर कोई इंटरेस्टेड है और ये आपसे बात करना चाहे, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं?
हमारा कंपनी का नाम है राजधानी टेक्नोलॉजी, उसका वेबसाइट है www.rtindia.co.in। आप इस पे अप्रोच कर सकते हैं या हमारा नंबर ले लें 7688-800-800, दूसरा नंबर है 7688-888-228। आप इन दो नंबर्स पे कभी भी बात कर लें या आपको हमारा सोशल मीडिया पे, गूगल पे, सभी पे हमारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी मेरे कस्टमर हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने अभी ये मशीन हमसे लिया है। ये नीरज सेरावत जी हैं। हेलो सर। हेलो। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपने इनसे मशीन लिया और अभी तक आपने? एक्सपीरियंस ऐसा रहा भैया, हम जो कई जगह देख काफ़ी मशीनें देखी, एक भैया से भी मिले, उसके बाद में हमें अच्छा लगा भाई मशीन अच्छी है और इनसे बुक कर ले। व्यवहार अच्छा था और मशीन में अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है मशीन। और अगर काफ़ी लोग अगर मशीन्स लेते हैं तो उनको शिकायत रहती है किसी कंपनी को लेकर, सर्विस को लेकर, सर्विस कैसा रहा सर? सर्विस तो अच्छा रहा और बाकी अब बाद में पता चलेगा क्या है। अच्छा, और कैसी जैसे अगर इस इंडस्ट्रीज में अगर कोई आना चाहे, इस तरह के बिजनेस करना चाहे, कितना स्कोप है और कितनी कमाई हो जाती है सर? स्कोप तो अच्छा है लेकिन कंपटीशन बहुत है हर चीज़ में। हाँ, और इसमें काफ़ी है जी, टीम वर्क का काम है इसमें, ये नहीं है अकेला आदमी कुछ कर लेता है। हाँ, वो मेहनत जी 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 जी। चलिए चलिए सर, थैंक यू सर। जी जी मिलिए, ये भी पुराना जी। हेलो प्रवीण, बस बढ़िया। एक बार कुछ बताएंगे सर इस इंडस्ट्री के बारे में? ये इंडस्ट्री जो है मतलब ऐसा तूफानी इंडस्ट्रीज है कि जैसे दिखता है वैसे बिकता है। तो इसमें आप जब एंट्री करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप देखिए, मतलब यहाँ पे एक निडिल बनाने वाली कंपनी से लेके बड़ी मशीन बनाने वाली कंपनियाँ हैं, तो इसको बहुत अच्छा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। और अगर कोई एम्ब्रॉयडरी मशीन्स ले रहे हैं तो अगर कंपनी के बारे में आप क्या बताएंगे सर? नहीं, कंपनी एक्चुअली देखिए, कंपनी तो लगभग सब एक जैसे ही होती है। कुछ पार्ट्स कुछ अच्छे डालते हैं, जैसे मान लिया कोई जो है हाई स्पीड के डालते हैं, कोई लो स्पीड के होते हैं, उसमें ही चेंज होता है। तो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी चेंज होता है, मशीन लगभग सब सिमिलर ही होते हैं। तो जो जिनकी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग मशीन तैयार भी हो जाती है। चलिए चलिए सर, थैंक यू सर, वेलकम।